गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड एंड बी सेफ। टुडे मॉरल इज कॉन्फिडेंस एंड हार्डवर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिसीज कॉल्ड फेलियर। इट विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन। इट मीन्स जो कॉन्फिडेंस है, मतलब कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क एक तरह से दवा का काम करता है, और जो डिसीज होती है ना वो क्या करता है, उसको किल करता है। उसको जो फेलियर, जो डिसीज़ होती है, एक तरह से फेलियर को क्या कहा गया है, डिसीज़ कहा गया है। और जो मेडिसिन क्या है, कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क, तो वो क्या करती है, उसको किल करती है। अगर आप किसी चीज़ को कॉन्फिडेंस से और उसमें हार्डवर्क करोगे, मतलब जी जान लगा के आप किसी चीज़ को करते हो और कोई चीज़ करते हो, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा जब आपको धीरे धीरे उसकी नॉलेज होगी। तो अगर कोई चीज़ को आप ऐसे करते हो तो वो क्या करेगा, जो आपको फेलियर है ना, कि आपको लगेगा अगर हम फेल हो जाएंगे तो उसको क्या करेगा, मारेगा। उस डिसीज़ का मारने का, किल करने का सबसे अच्छा चीज़ क्या है, कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क। ये दो चीज़ आपको क्या करती है, सक्सेस में पहुँचा सकती है। तो इट विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन, यही आपको क्या कर सकती है, जो कॉन्फिडेंस है, जो आपको विश्वास है अपने ऊपर रखना है कि हम कर लेंगे, भले एक बार में नहीं कर पाओगे, दो बार में नहीं कर पाओगे, तीसरी बार में कर लोगे, बस आप कर सकते हो। अगर आप लोग अच्छा मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका आंसर नहीं आता है, तो आप क्या निराश हो जाते हो ना, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद उसको रख के फिर से सॉल्व करो तो आंसर आता है ना। तो इसी वजह से कभी भी कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसमें मेहनत करती रहनी चाहिए, वो आपको खुद ही क्या कर लेगा, सक्सेसफुल पर्सन बना देगा। ओके, सो टुडे इज रिवीजन क्लास ऑफ चैप्टर 3rd and 4th। 4th chapter तक आपका कंप्लीट हो गया है, तो आज 3rd and 4th chapter का रिवीजन करते हैं। 3rd chapter आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एनिमल एंड देयर यंग वन। एनिमल्स मतलब जानवर और उनके बच्चों के बारे में, यंग वन के बारे में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग इस चैप्टर को, चैप्टर 3rd को। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एनिमल दैट ले एग, जो एनिमल एग देते हैं, और जो एनिमल क्या करते हैं, बर्थ देते हैं बेबीज़ को। दो टाइप्स के होते हैं, दो ही टाइप से उनके यंग वन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग इज दैट दे प्रोड्यूस यंग वन फॉर देयर ओन काइंड, द प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? यस, एक कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग में पाई जाती है, मतलब एक उनके अंदर क्या होता है, वो अपने से ही क्या करते हैं, अपनी तरह एक और यंग वन प्रोड्यूस करते हैं अपने से ही। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, जैसे एक पहचान होती है, जैसे आप लोग किससे आए हो, अपने मम्मा से आए हो ना, वैसे ही उनके अंदर एक फीचर, मतलब कि एक क्रिया होती है, जिस उससे वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को, जिससे उनका यंग वन आता है। चाहे वो एग देते हो, एग से हैच होके निकलता हो, चाहे वो डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हो, उससे आता हो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, जिससे कि एक यंग वन आता है उस प्रोसेस को। ठीक है, सम एनिमल क्या करते हैं, एग देते हैं, और कुछ क्या होते हैं, यंग उस अदर एनिमल को डायरेक्टली विदाउट ले एग क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। जैसे कुछ एनिमल क्या करते हैं, एग देते हैं, फिर एग वो क्या होते हैं, हैच होते हैं, हैच मतलब फूटते हैं, उसमें से क्या, यंग वन निकलता है। जैसे बर्ड एग्जांपल ले लो, वो क्या करते हैं, यंग वन कहाँ से आता है, उनका एग से आता है, वो ले करते हैं एग को, और उसमें से प्रोड्यूस होता है यंग वन। ठीक है, और कुछ जैसे अदर एनिमल, हम लोग हो गए या फिर और हो गए, डॉग हो गया, काऊ हो गया, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्टली बर्थ देते हैं। ठीक है, विदाउट लेइंग एग, मतलब विदाउट क्या करें, विदाउट एग दिए वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा इस चैप्टर को। तो एनिमल दैट ले एग,
जो एनिमल क्या करते हैं, एग देते हैं, चलिए पहले उनके बारे में फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं। एनिमल दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग, एनिमल जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग, एग देके, उसको क्या बोलते हैं, एग लेइंग एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग लेइंग एनिमल। जैसे एग्जांपल में हो गया बर्ड हो गया, फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, इंसेक्ट हो गया, कॉकरोच हो गया, सॉरी तो कॉकरोच हो गए, बटरफ्लाई हो गए। ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, एग देते हैं। ये लोग एग लेइंग होते हैं क्योंकि ये एग देते हैं तो उससे उनका क्या होता है, बेबी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, एग आर कीप्ड इन वार्म प्लेस और द पेरेंट्स एनिमल सिट ऑन द एग टू कीप देम वार्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन मैंने बताया था, इंक्यूबेशन किससे बोला जाता है, व्हाट डू मीन बाय इंक्यूबेशन। यस, कि जो एग को ऐसी जगह पे रखा जाता है जिनको, जिस पे उनको क्या मिले, वॉर्म मिले। वॉर्म मतलब गर्मी मिले। गर्मी क्यों मिले, गर्मी की उनको क्यों ज़रूरत होती है, मैंने बताया था ना कि जितनी गर्मी मिलेगी उससे क्या होगा, उनका एग हैच होगा, एग क्या होगा, फूट जाएगा। तो पेरेंट्स इसीलिए उनके ऊपर सिट करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो उनकी फैदर होती है बर्ड्स की, वो क्या करती है, बहुत ही वार्म होती है, बहुत ही गर्म रखती है उनको। जो फैदर होती हैं वो क्या करती है, बहुत ही गर्म रखती हैं। अपने प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने पढ़ाया था कि फैदर होती है उनकी बॉडी फैदर, फ्लाइट फैदर, डाउन फैदर। तो जो डाउन फैदर होती है वो क्या होती है, बहुत ही गर्म होती है, क्योंकि वो उस पर सिट करते हैं तो एग को क्या होता है, एग को गर्मी मिलती है, उसी वजह से वो एग क्या होता है, हैच होता है, वो जल्दी हैच होता है। तो जो वो गर्मी देने का प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन बोलते हैं। ओके, बर्ड बर्ड ले एग इन देयर नेस्ट एंड इंक्यूबेट द एग बाय सिटिंग ऑन देम। क्या होता है, बर्ड क्या करती हैं, एग देती हैं कहाँ पे, इन नेस्ट में, और वो क्या होता है, उसको इंक्यूबेट करती है, उसके ऊपर बैठ के, उसके ऊपर सिट करके वो क्या करती हैं, उसको एग को वार्म देती हैं। जब तक वो हैच नहीं होता तब तक वो फूड नहीं आता। जब एग हैच हो जाता है तो उसमें से क्या निकलता है, चिक निकलता है। चिक्स मतलब उनका बेबी, आपने देखा होगा, बट वो फ्लाई नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ही छोटा होता है ना, वो फेदरलेस होता है, उसको दिखाई भी नहीं पड़ता। लेकिन जो पेरेंट्स बर्ड होते हैं वो उनको फीड कराते हैं, उनको ईट कराते हैं, उनको क्या करते हैं, जब तक वो डेवलप नहीं हो जाते उनकी केयर करते हैं, जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाते तब तक उनकी केयर करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एग। स्ट्रक्चर ऑफ एग मतलब कैसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ये देखिए, एग का स्ट्रक्चर था ना, एग प्रोड्यूस बाय ऑल द बर्ड हैव द सेम काइंड ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो मतलब कि जो भी एग बर्ड्स प्रोड्यूस करती हैं तो एग क्या होता है, उनका सेम काइंड का होता है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एग का वो सेम होता है। आपको पहले भी बताया था मैंने, उसका थिन और आउटर हार्ड आउटर लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है उसके कंटेंट को एग के, उसको क्या बोलते हैं, एग सेल। ये देखिए, दिस इज़ नोन एज एग सेल। एग सेल बताया था ना, ये क्या करती है, हार्ड कवर आउटर लेयर होती है जो कि क्या करती है, जो अंदर के कंटेंट होते हैं, ये योल्क होता है, एल्बुमिन होता है, तो उसको क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको कंटेंट करके प्रोटेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होता है आपका एक्सेल जो कि हार्ड कवरिंग होती है जो कि उसको करता है। और जो जेली लाइक वाइट कलर सब्सटेंस पाया जाता है इनसाइड द एक्सेल, उसको क्या बोलते हैं, जो एग खाते होंगे उनको पता भी होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्बुमिन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जेली लाइक वाइट कलर सब्सटेंस होता है, और जो उसके अंदर येलो कलर का जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, एल्बुमिन के साथ, उसको क्या बोलते हैं, योल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योल्क बोलते हैं। ये येलो लाइक जो येलो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, उसमें बहुत ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ग्रोइंग बेबी के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। एक तरह से ये मेन पार्ट होता है जिससे क्या होता है, बेबी क्या होता है, ग्रो करता है।
और ये जो यही जो एम्ब्रियो होता है ना, यही डेवलप होता है किसमें, यंग वन में। इसी एम्ब्रियो से ही यंग वन में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। जब एग हैच होता है ना, तो उसमें से क्या होते हैं, बेबी निकलता है। तो ये जो येलो सब्सटेंस होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यही ग्रोइंग डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जो स्टेज होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होती है डेवलपमेंट की एम्ब्रियो की, इनटू एन एडल्ट, उसको बड़ा बनने के लिए, एडल्ट बनने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ अ एनिमल। ठीक है, तो द डिफरेंट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए एम्ब्रियो इनटू एन एडल्ट आर कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल। उसी को लाइफ साइकिल ऑफ अ एनिमल बोलते हैं, क्योंकि वही ग्रो करके वही हैच होता है। तो क्या होता है हमारा, क्या मिलता है, यंग वन प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ये देखिए, सिंपली आपने एग दिया, एग किसने दिया, हैन ने दिया, हैन ने एडल्ट ने एग दिया, एग क्या हुआ, हैच हुआ, उसमें से चिक आया, चिक्स बड़ा होके क्या बनेगा, फिर एडल्ट बन जाएगा। तो सेम एज इट इज़ प्रोसेस चलता रहता है। फिश क्या होती है, फिश भी ले प्लेंटी ऑफ एग इन वाटर एट अ टाइम। एक टाइम पे क्या होती हैं, फिश भी बहुत ढेर सारे एग देती हैं, जिसमें से कुछ ही क्या होती हैं, डेवलप होके क्या होती हैं, बेबी फिश बनती हैं। और जो दूसरी एग्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सम अदर एनिमल या अदर फिश के द्वारा क्या होते हैं, खा लिए जाते हैं। जनरली दिस एग ऑब्टेन वॉर्म फॉर इनक्यूबेशन फॉर द सर्वे। तो क्या होते हैं, जनरली क्या होता है, इनको इंक्यूबेशन के लिए, ये तो फिश तो इनके ऊपर सिट नहीं होंगी, तो इनको सन रेज मिलती है इंक्यूबेशन के लिए, उनको गर्मी के लिए, क्योंकि एग देते हैं तो एग को गर्मी चाहिए होगी, तो गर्मी कहाँ से मिलेगी, सन रेज देंगे। नेक्स्ट, फ्रॉग कैसे होते हैं, फ्रॉग भी एक तरह के फिश की तरह होते हैं, लाइक अ फिश। वो भी क्या करते हैं, लार्ज नंबर में वाटर में क्या करते हैं, क्या देते हैं, एग देते हैं। और जो एग होता है वो आपको दिखाई होगा, एक क्लस्टर, मतलब खूब ढेर सारा क्लस्टर, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जो वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको स्पॉन बोलते हैं। और जो यंग वन दैट हैच फ्रॉम दिस एग इज कॉल्ड टैडपोल्स। जो यंग वन उस एग में से निकलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। ठीक है, टैडपोल बोलते हैं उसको, जो कि क्या होता है, टैडपोल बहुत ही डिफरेंट दिखेगा आपको यंग वन से क्या होगा, बहुत ही डिफरेंट दिखेगा टैडपोल, जैसे डिफरेंट एडल्ट फ्रॉग ये है, और टैडपोल ये है। देखिए, टैडपोल और यंग वन में डिफरेंट है ना, यंग बनेगा फिर वो एडल्ट एक तरह से पूरा डेवलप हो जाएगा, तो वो एकदम डिफरेंट होता है। जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक तरह से चेंजेस का, जो यंग वन से एडल्ट बनते हैं, यंग वन से क्या होते हैं, एडल्ट बनते हैं, वो कम्प्लीटली मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस एक तरह से काया पलट हो जाती है, मतलब कैसे ये लुक लाइक होता है टैडपोल में, और कहाँ से ये क्या बन जाता है, एक एडल्ट बन जाता है। तो एकदम इसमें एकदम डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, तो वही होता है मेटामॉर्फोसिस। आफ्टर अंडरगोइंग मेटामॉर्फोसिस द टैडपोल बिकम एन एडल्ट फ्रॉग। जब ये उसके अंदर में जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं उनका पूरा एकदम एडल्ट में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, बटरफ्लाई की भी ऐसे ही लाइफ साइकिल चलती है। जो लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई होता है, उसमें क्या होते हैं, फोर स्टेज होते हैं। तो बटरफ्लाई भी क्या करती हैं, एग देती हैं। वो लीव्स पे क्या करती हैं एग्स देती हैं। वो एकदम स्मॉल वॉर्म, मतलब एक छोटे से कीड़े की तरह, जैसे कैटरपिलर होता है, हैच फ्रॉम द एग, उसी तरह होता है। उस स्टेज को क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। जो कैटरपिलर ग्रो करता है साइज इन ईटिंग लीव, लीफ होती है उसी के साइज से क्या करता है, वो डेवलप करता है, वो प्लांट मतलब प्रोटेक्ट करता है अपनी कवरिंग को अराउंड इट्सेल्फ, उसी पे करता है अपनी कवरिंग को प्रोटेक्ट करता है। उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपा। देखो, उस स्टेज को वो एकदम कवर अप होकर प्यूपा बनाता है। ठीक है, और क्या होता है, जो प्यूपा होता है वो बहुत बार क्या होता है, अपनी ओल्ड स्किन को क्या करता है, मैनी टाइम्स क्या करता है, शेड कर वो जो प्रोसेस होता है शेडिंग का, मतलब शेडिंग मतलब हटाना अपनी स्किन को, बार बार वो हटा देता है, नई स्किन आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को मोल्टिंग बोलते हैं। तो क्या होता है, उसी को हटाते एडल्ट फ्लाई क्या होती है, बन जाती है, एडल्ट बटरफ्लाई आ जाती है प्यूपा से,
उस प्यूपा से वो बाबा स्किन सेट करके क्या करते हैं, नई बटरफ्लाई बन जाती है उससे। तो ये बटरफ्लाई का प्रोसेस होता है कि बटरफ्लाई कैसे बड़ी होती है, एडल्ट होती है। नेक्स्ट है ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेज। ग्रास हॉपर बताया था, ये भी एग देते हैं। ये क्या करते हैं ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेज क्या करते हैं, थ्री स्टेज में होता है इनका। पहले ये टीनी लार्वा देते हैं, ये टीनी लार्वा होता है उनका एग होता है, जो कि एग से हैच होता है। फ्रॉम द एग आर का निम्फ, निम्फ्स बोलते हैं। जो निम्फ्स होता है वो कोजली एकदम अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखता है, जैसे आप देख सकते हैं एग से निकला है, एकदम पेरेंट्स की तरह लगता है। बट वो उसके पास विंग नहीं होते, तब उसके पास विंग नहीं होते जब वो अंडरगोज माउल्टिंग, वो भी अपनी सेवरल टाइम क्या करता है स्किन हटाता है हटाता है हटाता है, तो तब तक उसके क्या होते हैं विंग्स आ जाते हैं और वो डेवलप हो जाता है। किस में, यंग वन में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट रेप्टाइल्स आते हैं। रेप्टाइल्स पता है आपको, रेप्टाइल्स जैसे स्नेक, जो ज़मीन में चलने वाले जानवर होते हैं, स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, ये क्या करते हैं एग देते हैं। कहाँ पे देते हैं, ग्राउंड पे देते हैं। इनका जो एग होता है वो फ्यू डेवलप होता है इनटू एडल्ट में बाय द हेल्प ऑफ सनरेज। सनरेज की हेल्प से ये भी डेवलप होता है, उनको वॉर्म चाहिए होता है, वो सनरेज देती है उनको उस एग को। और कुछ ही ये उसमें से क्या होते हैं, हो पाते हैं, समी एग क्या होते हैं, निकल पाते हैं समय दूसरे एनिमल्स के द्वारा क्या होते हैं, ये ईट हो जाते हैं, दूसरे एनिमल क्या करते हैं उनको खा लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो एनिमल क्या करते हैं बर्थ देते हैं बेबीज़ को, उनके बारे में बात करते हैं। अभी ले एग जो देते थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वन एंड सकल देम मिल्क आर कॉल्ड मैमल। जो एनिमल क्या करते हैं यंग वन को बर्थ देते हैं और क्या करते हैं सक करते हैं, मतलब पीते हैं दूध, मिल्क पीते हैं, मिल्क मतलब दूध होता है ना, उसको क्या बोलते हैं मैमल बोलते हैं। जैसे काऊ बेबी देता है ना, काल्फ वो देता है, और काऊ किसका जब छोटा रहता है तो वो दूध पीता है ना, तो किसका पीता है, अपनी माँ का पीता है जी। देखिए काऊ किसका, काल्फ किसका, काऊ का दूध पिएगा तो वो मैमल कहलाएगा। जैसे डॉग हो गए, कैट हो गए, काऊ हो गए, मंकी हो गए, रैबिट हो गए, एलिफेंट, कंगारू, जिराफ और ह्यूमन बीइंग भी क्या है, एग्जांपल है किसके, मैमल के, क्योंकि वो दूध मतलब वो बाय बर्थ होते हैं और दूध भी पीते हैं। ठीक है, जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है यंग वन का वो टेक प्लेस इन मदर बॉडी, मतलब मदर बॉडी के अंदर ही उनका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। और वो क्या बोलते हैं, जब वो बॉर्न हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं मिल्क पीते हैं, उन्हें अपनी माँ का क्या करते हैं विंग पीते हैं। जो मैमल्स वेल डेवलप्ड ब्रेन होते हैं, मोस्ट ऑफ देम हेयर, उनकी बॉडी में क्या होगा हेयर होगा, और मोस्ट क्या कर देंगे लैंड पे रहना चालू कर देंगे। और वो ब्रीथ किससे करते हैं, अपनी लंग्स की हेल्प से, जैसे कंगारू विथ इट्स जॉय, काऊ विथ इट्स काल्फ, इस तरह से होता है। जैसे मैमल हो गए सच एज डॉल्फिन हो गया, वेल हो गई, वो कहाँ रहती हैं वाटर में रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं एक्वाटिक मैमल्स, क्या बोलते हैं एक्वाटिक मैमल्स, तो उनके हेयर्स नहीं होती, उनके बॉडीज में हेयर्स नहीं होती। ये ब्रीथ किससे करती हैं, लंग्स से ब्रीथ करती हैं, और वो ऑफन वाटर सरफेस पे निकल के भी क्या करती हैं ब्रीथ कर लेती हैं, एयर में भी ब्रीथ करती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है मैमल होती है, जैसे डॉल्फिन हो गया, डॉल्फिन ये देख रहे हैं ना, डॉल्फिन है ये, वेल है ये, क्या करती हैं ऐसे करती हैं। मैमल केयर ऑफ देयर यंग वन, मैमल कैसे केयर करती हैं अपने यंग वन की, जो मैमल क्या होती हैं यंग वन की बहुत टाइम तक केयर करती हैं, जब तक वो क्या करते हैं दे कीप देयर बेबी क्लीन एंड वॉर्म, उसकी उसको क्लीन रखती हैं, उसको गर्मी देती हैं, उसको फीड कराती हैं, खाना खिलाती हैं, उसको एनिमीज से दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे फिश हो गई, रेप्टाइल्स हो गई, इंसेक्ट हो गई। डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग वन, ये सब क्या करती है, ये टेक केयर नहीं करती, ये केवल अपने ये एग दे देती हैं उसको सेफ प्लेस पे और उनको वहीं छोड़ देती हैं, वो खुद से जिए, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो वो खुद से सर्वाइव करके क्या होती हैं जीती हैं। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्या था, एनिमल अडेप्टेशन। ये तो प्रेजेंट में ख़त्म हुआ आपका, तो चलिए इसको रिवाइज करते हैं। एनिमल अडेप्टेशन क्या होता है, पौधों निकल रहा है, जानवरों का अनुकूलन, मतलब वो कैसे सर्वाइव करते हैं, किस तरह तरीके से वो सर्वाइव करते हैं, जैसे जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, वो
क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं एक पीरियड के टाइम पे, तो वो अडेप्ट करते रहते हैं उस चेंजेस को वहाँ पे सरवाइव करने के लिए। तो उसी डिफरेंट एनिमल कैसे अडेप्ट करते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कस करना था। तो जैसे बेस होता है एनवायरमेंट में, जैसे कि जो रहते हैं जानवर, तो उनको ग्रुप किया गया है कि कौन कौन से ग्रुप में रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल मैंने बताया था जो लैंड पर रहते हैं, एक्वाटिक जो पानी में रहते हैं, एम्फबियन जो पानी और भूमि दोनों पर रहते हैं, एरियल मतलब जो हवाओं में रहते हैं उड़ते हैं, जो एबोरियल जो वृक्ष पेड़ों पर रहते हैं। ठीक, इन पांच ग्रुप में हम लोगों ने क्या किया, एनिमल को डिवाइड कर दिया एनवायरमेंट के बेसिस पे। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे जो एनिमल कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल बोला जाता है। तो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जो जलवायु कंडीशन होती है, वो प्लेस टू प्लेस क्या होती है, बहुत ही डिफरेंट होती है, वैरी करती है, क्योंकि कहीं ठंडी, कहीं गर्मी, कहीं बरसात, तो उस तरीके से चलता रहता है। जो पोलर रीजन होता है, जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, वहाँ क्या होता है, बहुत ही कोल्ड होता है। तो वहाँ पे कौन से एनिमल रहते हैं, जैसे पोलर बियर हो गया, आर्कटिक फॉक्सेस, पेंगुइन, सील, वॉलरसेस, ये सब क्या करते हैं, वहाँ रहते हैं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से। ठीक है, तो ये एनिमल क्या होती है, इनकी थिकी स्किन होती है, हेयरी स्किन होती है। जैसे पोलर बियर हो गया, उसके क्या होते हैं, वॉलरस ऑल्सो हैव क्या होता है, थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन कॉल्ड ब्लबर। तो थिक लेयर होती है, उसके अंदर क्या होता है, फैट रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। ठीक है, उसको ब्लबर बोलते हैं। तो जब स्कार्सिटी होती है, जब फूड की कमी हो जाती है कोल्ड पीरियड में, तो कुछ जो एनिमल होते हैं, बियर होते हैं, फ्रॉग होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये क्या सो ले, क्या करते हैं, स्लीप ले लेते हैं ये विंटर सीजन में। मतलब एक तरह से इनएक्टिव, आलसी बन जाते हैं, लॉन्ग विंटर के लिए स्लीप ले लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन, शीत निंद्रा जिसको बोलते हैं। ये जब फूड की कमी हो जाती है, ये पाते नहीं है, तो क्या करते हैं, ये हाइबरनेशन कर लेते हैं, विंटर स्लीप, लॉन्ग विंटर स्लीप ले लेते हैं। इसको हाइबरनेशन डिनोट किया जाता है। माउंटेन भी बहुत ही ठंडा होता है, तो जो माउंटेन्स पे रहते हैं, जैसे माउंटेन शीप हो गई, माउंटेन गोट हो गई, याक्स हो गए, तो क्या करें, इनके भी थिक फर होते हैं उनकी बॉडी में, जो कि उनको गर्मी देते हैं उस कोल्ड वेदर में। ठीक है, तो जो एनिमल होते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं, हूव्स जो पैर के नीचे की होती है, देखे होंगे आप, याक्स हो गए, कैमल। ठीक है, तो क्या होती है, उनके हूव्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करती हैं वॉक करने में उस स्लोप्स ऑफ माउंटेन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं वॉक करने में, हेल्प करती है उस माउंटेन में क्या करने में, उनको वॉक करने में। तो ये होता है, जो डेजर्ट होता है वो बहुत ही हॉट होता है, जो डेजर्ट में एनिमल रहते हैं, जैसे कैमल हो गया, उनकी थिक स्किन होती है और लेस हेयर होते हैं, स्किन तो ठीक होती है लेकिन उनके बॉडी पे हेयर बहुत कम होते हैं, जो कि उनको वाटर लॉस होने से प्रिवेंट करते हैं उनकी बॉडी से। जैसे सम एनिमल, स्नेल हो गया, लिजार्ड हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, वो क्या करते हैं, स्लीप करते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए। कहाँ पे, लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग समर, समर के मंथ में वो क्या करते हैं, पलायन कर लेते हैं, क्योंकि हीट बहुत रहती है, तो वो क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए क्या करते हैं, सो जाते हैं। उस लॉन्ग टाइम की समर स्लीप को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन उसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने कैमल के बारे में पढ़ा था कि कैमल क्या करता है, विदाउट वाटर वो बहुत दिन तक जिंदा रह सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है लॉन्ग टाइम तक। वो अपने हेम्प में क्या करता है, लार्ज अमाउंट की फैट को स्टोर किया रहता है, जो कि यूज़ होता है जब उसको स्कार्सिटी, जब उसको फूड नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरह से ये डेजर्ट एरिया में ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, और इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी बोला जाता है। इसके भी बहुत ही लॉन्ग हूव्स होते हैं, जो कि उसको सिंकिंग होने में, उसको धंसने से हेल्प करते हैं कि वो धंसे ना। और उसके बाद उनकी जो डबल आईलेट्स होती है, वो भी प्रोटेक्ट करती हैं उनको कि उनके आइज में सैंड ना एंटर करे। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं उस
डेजर्ट एरिया में। ओके, तो इसी तरह से उनको क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल क्या होते हैं, जो एनिमल कहाँ रहते हैं, एक्वाटिक मतलब वाटर में रहते हैं, जैसे फिश हो गई, वेल हो गया, टर्टल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये एग्जांपल है एक्वाटिक एनिमल के। ठीक है, इनकी जो इनके पास क्या होते हैं, फिश है फिन्स, लेकिन वेल्स के पास क्या होती है, पैडल लाइक फ्लिपर होती है। फिश के पास तो फिन होती है कि इस तरह से वो मूव कर लेती हैं वाटर में, लेकिन इनके पास फ्लिपर होते हैं। फ्लिपर जैसे मछली का पंख बोला जाता है, उनको पैडल लाइक होता है। देखो फिगर में आपको दिख रहा है टर्टल का ये है और ये वेल्स का है। तो फिश के तो वो होते हैं फिन्स होते हैं, बट इनके पैडल लाइक फ्लिपर होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इनको स्विमिंग में। और मोस्ट एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, मतलब ब्रीथ करते हैं अपने गिल्स से, ठीक है, वाटर के अंदर। जो एम्फोबियन होता है वो क्या होता है, दोनों जगह रहते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, स्लेमेंडर हो गया, आग का कीड़ा जिसे बोलते हैं, वो लिव करता है बहुत जगह, से वाटर हो गया या लैंड हो गया, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, एम्फोबियन। से फ्रॉग है ना आपका, ये क्या करते हैं, इनके पास क्या होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, जिसकी हेल्प से ये अंडर वाटर क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। और ये फ्रॉग जो कितना होता है, डेवलप्ड स्ट्रांग हिंड लिम होती है उनके अंदर, ठीक है। ये लैंड पे भी लंग्स के जो मोस्ट एम्फिबियन होते हैं, वो लंग्स से भी क्या करते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं। और जिनकी मॉइस्ट स्किन होती है वो अंडर वाटर भी क्या करते हैं, अपनी स्किन से हेल्प से क्या करते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं। जो फ्रॉग होते हैं वो उनकी वेल डेवलप्ड क्या होती है, वेब्ड फीट होती है, और हैंडलिम मतलब जो पिछला भाग होता है उनका बहुत ही मजबूत होता है, अंग जो होता है पिछला अंग होता है वो, जैसे कूदने में उनको क्या करता है, उनको हेल्प करता है। जो उनकी वेब्ड फीट होती हैं, जैसे वेब्ड मतलब झिल्लीदार होता है, जालीदार हो गया, जो उनको क्या करते हैं, वाइल्ड स्विमिंग में क्या करते हैं, वाटर में स्विमिंग करने में क्या करता है, उनका वो जो वेब फीट होता है वो हेल्प करता है। उसकी वजह से वो इजीली क्या कर सकते हैं, पानी में क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एरियल एनिमल। एरियल एनिमल, एरियल से मतलब एयर, मतलब एयर में जो फ्लाई करते हैं, उन जो मैक्सिमम टाइम अपना कहाँ बिताते हैं, एयर्स में बिताते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एरियल एनिमल। जैसे एग्जांपल हो गए बर्ड्स, बर्ड्स एक एग्जांपल है। इनके क्या होती है, खोखली बोन होती है, हॉलो बोन होती है, जो उनको बोट शेप बॉडी होती है, जो उनकी विंग होती है, जो उनकी फैदर होती है, जो उनके विंग मतलब पंख होती है, फैदर भी पंख होते हैं, तो जो उनको हेल्प करते हैं क्या करने में, फ्लाई करने में। और जो उसमें से बैट्स होता है, बैट्स चमगादड़, एक ओनली मैमल होता है जो फ्लाई करता है, मतलब मैमल मैंने बताया जो क्या करते थे, सक कराए मिल्क और बर्थ दे यंग वन को, तो वो मैमल्स होते हैं। तो इंसेक्ट होता है, जैसे बटरफ्लाई हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, उनकी थिन और पेपरी विंग होती है, जो उनको फ्लाई करने में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट आर्बोरियल एनिमल हो गए, जो स्पेंड करते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम ट्री पे, जो ट्री पे मेजॉरिटी मतलब अधिकतर टाइम कहाँ बिता है, ट्री पे। जैसे मंकी हो गया, स्क्वायरल हो गया, लिजार्ड हो गया, कोला बियर हो गया, एग्जांपल है आर्बोरियल एनिमल के। इनकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग लिम्स मतलब अंग होते हैं, और शार्प क्लॉज होती है, जो उनके पैर होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं हैंग करने में, क्या करने में, हैंग करने में, मतलब जैसे पेड़ों पे ऐसे से अपने वो क्या करते हैं, टेल मतलब पूंछ होती है, पूंछ की हेल्प से क्या करते हैं, हैंग करते हैं। कहाँ हैंग करते हैं, ट्रीज़ पे इजली वो हैंग करते हैं, तो वो हेल्प होता है, ठीक है, उस तरह से बन जा। अब ये तो 5 पार्ट में उनको एडेप्टेशन इन्वायरमेंट के बेसिस में कि कैसे वहाँ क्या सर्वाइव करते हैं। अब ये फूड की बेसिस पे उनको कितने में, 5 चीज़ में कैटेगराइज किया गया है। जैसे पहला है हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर और पैरासाइटिक। इन 5ों में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हार्बीवोरस, जैसे कि आप लोगों ने बहुत प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ा होगा, व्हाट इज हार्बीवोरस, यस, जो प्लांट क्या करते हैं, केवल एनिमल सॉरी प्लांट ईट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस। जैसे उनकी स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड टीथ होती है फ्रंट में, जिसकी वजह से वो
लीफ और ग्रास को क्या करते हैं, ईजिली खा सकते हैं। जो कोई स्ट्रांग च्यूइंग टीथ होती है उनके अंदर स्पेस होता है, वो ग्राइंड करती है, मतलब एक तरह से पिसाई करती हैं जो वो खाती हैं उसको, बाइट बाइट में तोड़ तोड़ के बैक एंड बैक, और वो उसी को ट्रैवल करते लॉन्ग डिस्टेंस में उसको खाती रहती हैं, वो यूज़ करती रहती है। दे एबल टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, हैव देम लॉन्ग एंड स्ट्रांग लेग्स इन सर्च ऑफ फूड। वो उसी क्या होता है, उनके लॉन्ग लॉन्ग लेग होते हैं स्ट्रांग, उनकी वजह से वो बहुत ही दूरी तक वो डिस्टेंस तय कर सकती हैं किसी फूड को सर्च करते हुए। जैसे एग्जांपल हो गया डियर हो गया, जिराफ हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है। इसकी उससे क्या करती हैं वो, जाती रहती है वो सर्च फूड की सर्च में, वो करती रहती है। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस जो एनिमल क्या करते हैं, फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल का, अदर एनिमल को, उनको कार्निवोरस बोलते हैं। दीज एनिमल है पॉइंटेड शार्प लॉन्ग एंड कर्व्ड कैनीज, ठीक है, टीयर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे। कुछ एनिमल्स के क्या होते हैं, वो क्या करते हैं अदर एनिमल्स को खाते हैं, जिसको कार्निवोरस बोलते हैं। उनकी पॉइंटेड और शार्प लॉन्ग कर्व्ड कैनिनस होती हैं, जो कि उनको ईजिली क्या करती है, फ्लैश तोड़ने में, अपने शिकार को खाने में मतलब हेल्प होती है। जो कार्निवोरस होते हैं वो फ्लैश को खाते हैं, बोन्स को खाते हैं, जो उनकी बोन्स होती हैं वो बहुत ही ब्रॉड होती हैं, जो उनकी ग्राइंडिंग टीथ प्रेजेंट होती हैं बैक ऑफ देयर माउथ, पिछले भाग में, वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं उनको टीयर ऑफ करने में, टीयर ऑफ करने में उनको हेल्प करती हैं अपने फ्लैश को। जैसे वुल्फ हो गया, टाइगर हो गया, वो इजली क्या करती हैं, खा लेती हैं। ओमनीवोरस जैसे बियर हो गए, क्रो हो गए, और ह्यूमन बींग, वो क्या करती हैं, प्लांट और फ्लैश अदर एनिमल को दोनों खाती हैं, तो इसीलिए उनको ओमनीवोरस में रखा गया। जैसे क्रो को आप लोग देखे हैं, स्कैवेंजर जो डेड और डेड जो क्या करती हैं, जो एनिमल क्या करते हैं, डेड और जो डिकेइंग एनिमल होते मरे हुए या सड़े हुए, जो उसको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर। जैसे हाइना होता है, या वल्चर, जैकल्स, वाइल्ड डॉग और हेनस को स्कैवेंजर हैव शार्प टीथ, रैपिंग तेजस्वी और टियरिंग, मतलब फाड़ फ्ले, मतलब वो अपनी टीथ की हेल्प से क्या करती हैं, ईजिली क्या करती हैं, ये लोग मरे हुए जानवर को खाती हैं। उनकी जो वो होती है वो बहुत ही तेजस्वी होती है, जो उनको हेल्प करती है उनको खाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होती हैं, वो एनिमल जो कि बॉडी के अंदर पाई जाती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और वो उसी पे डिपेंड होती हैं अपने फूड को, उसको पैरासाइट बोलते हैं। जैसे राउंड वॉर्म हो गया, टैप वॉर्म हो गया, लूज हो गया, फ्ली हो गया, ये सब क्या होती हैं, बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, उसी पे वो डिपेंड होती हैं, या वो दूसरे एनिमल्स के अंदर पाई जाती है वो उसमें डिपेंड होती है, उसको होस्ट बोलते हैं, जो लिप करती है। ऐसे राउंड वॉर्म हो गया, हुक वॉर्म हो गया, टैप वॉर्म, ये पैरासाइट्स होती हैं जो इनसाइड द बॉडी, होस्ट की बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो जैसे लाइस हो गया, लाइस मतलब जू होती है, जू जू देखा ना आप लोगों ने, टिक्स हो गई, फ्लीज हो गई, ये सब क्या होती हैं, पैरासाइट्स होती हैं, जो कि लिव करती हैं सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी के सरफेस पे, मतलब कि उसके बॉडी पे, उनका जो माउथ होता है वो क्या करता है, सक करता है ब्लड को उस होस्ट बॉडी के अंदर से, ठीक। अब अडेप्टेशन, उनकी प्रोटेक्शन में, जैसे वो प्रोटेक्शन में कैसे अडेप्ट करती हैं, किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करती हैं, तो एनिमल्स सो डिफरेंट अडेप्टेशन, डिफरेंट टाइप्स के अडेप्टेशन वो दिखाती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डेंजर से। जैसे फर्स्ट है रैबिट हो गया, डियर हो गया, फिश हो गया, माइस हो गया, ये बहुत ही तेज भागती हैं, जब उनके एनिमीज उनको देखते हैं तो वो बहुत ही तेज भागती हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। जो थिक स्किन होती है एलिफेंट की, हिप्पोपोटामस की, वो हेल्प करती है उनको हॉट क्लाइमेट में क्या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। इंसेक्ट हो गया, कॉकरोच हो गया, जो हार्ड आउटर बॉडी होती है जो उनको कवरिंग, जो उनकी कॉकरोचेस की, इंसेक्ट की हार्ड कवरिंग होती है वो उनको प्रोटेक्ट करती है। जो हार्ड सेल होती है क्रैब की और टर्टल की, वो प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी, उनकी सॉफ्ट बॉडीज को प्रोटेक्ट करती है। जो शार्प स्पाइंस हो गया, प्रोक्यूपाइंस हो गया, वो क्या करती हैं,
उनको प्रोटेक्ट करती हैं उनके एनिमीज से, मतलब एक तरह से वो अपने आप को बचा लेती है किसी भी तरीके से। कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी पाई जाती है एनिमल्स में जो उनके कलर और शेप को क्या करती है, उनको मिक्स कर देती है, तो वो क्या उसको क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं, जिसकी वजह से उनके जो एनिमीज होते हैं उनको जान नहीं पाते हैं, वो अपने आप को उसी में मिक्स कर लेती है, उसी में चेंज कर लेती हैं, तो वो ईजिली क्या करती है, कैच कर लेती हैं अपने प्रे को, कैमोफ्लेज कर लेती हैं खुद को। जैसे पोलर बियर हो गया, उनके क्या होते हैं वाइट फ्लर फर होते हैं, मतलब वाइट कलर के क्या होते हैं फैदर होते हैं, फर होते हैं, जो कि स्नो में क्या करते हैं दिखते नहीं है, तो वो अपने आप को ईजिली क्या करती हैं हाइड कर लेती हैं स्नो में। टाइगर हो गया, उसकी ब्लैक स्ट्रिप जो होती है वो ऑरेंज कलर कवर्ड बॉडी होती है, कलर्ड बॉडी होती है उनकी, जो उनको हेल्प करती है अपने आप को छुपाने में फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में। कुछ इंसेक्ट क्या होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर ऑफ लीफ होता है, लीफ इंसेक्ट होती हैं जो कि अपने आप को एनिमीज से हाइड कर लेती है, वो लीफ कलर की हो जाती हैं। जैसे स्टिक हो गया, देखिए जैसे लगेगा कोई स्टिक उसमें पड़ी है, लीफ इंसेक्ट हो गया, लीफ की कलर की हो गई, तो इस वजह से ईजिली कोई उनको जान नहीं पाता। जो चैमेलियन होता है वो क्या करती है अपनी स्किन को बदल लेती है, जिस भी उस पर जाती है वो क्या करती है अपने कलर को चेंज कर लेती है, उसी हिसाब से अपने आप को मैच करा लेती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल। एक्सटिंक्ट जो मतलब कि विलुप्त हो चुके हैं, और एंडेंजर्ड जो उसमें आ रहे हैं कि वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, जैसे डोडोज हो गया, पैसेंजर पिजन हो गए, कैरिबीन हो गया, मॉन्क सील हो गए, टिकोपा हो गया, पफिश हो गया, ये सब स्पीशीज है जो कि अब नहीं दिखती हैं हम लोगों को अर्थ में। ये क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ये गायब हो गई हैं, और इसको ये लोग अडेप्ट नहीं कर पाई थी अपने सराउंडिंग को अडेप्ट नहीं कर पाई थी, तो वो क्या करी, वो मतलब कि सर्वाइव नहीं कर पाई उस क्लाइमेट को, तो वो स्टिंग हो गई। मिलियन ऑफ ईयर एगो ह्यूज एनिमल जैसे डायनासोर रहता था, जैसे आप लोगों ने मूवीज़ में देखा तो होगा, लेकिन बहुत ही कोल्ड रहता था, तो वो अपने आप को ईजिली एडजस्ट नहीं कर पाते थे कोल्ड क्लाइमेट में, तो वो क्या हो गया, वो भी इंसेक्ट हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। एक्सटिंक्ट हो गए, तो जिस तरह से अगर उन लोगों ने सर्वाइव नहीं किया, वो उस तरह से अडेप्ट नहीं हो पाए, अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, तो वो क्या करें, एक्सटिंक्ट हो गए। जो मैनी एनिमल डेंजर्स में आ गए हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट की कमी से, ह्यूमन बीइंग अपने नीड के उससे क्या करता है, फॉरेस्ट को कट कर दे रहा है, तो नंबर ऑफ एनिमल जो सम एनिमल है जैसे टाइगर्स हो गए, चीता हो गए, ग्रैंड पांडास हो गए, इंडियन राइनोसोरस हो गए, वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, बहुत ही जल्दी क्या कर रहे हैं, वो दिखते नहीं हैं अब ज़्यादा, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो क्या होंगे, इंडेंजर्ड में आ गए हैं, तो क्योंकि वो ज़्यादा दिखाई तो पड़ते नहीं हैं, तो अगर हम ऐसे ही फॉरेस्ट को काटते रहेंगे तो वो रहेंगे कहाँ, तो इसीलिए वो धीरे धीरे वो भी गायब हो जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए, जितने प्लांट काट रहे हैं तो उतने लगाने भी चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में भी तो इन लोगों को देखना है, जैसे डोडोस को, पैसेंजर पिजन को, इन सबको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो आगे की जो जनरेशन आएगी वो भी तो इन सबको नहीं देख पाएगी, टाइगर्स को, चीता को, तो इसी तरह से उन लोगों के बारे में सोचते हुए भी हम लोग को कुछ चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो आपका ये रिविज़न ख़त्म होता है दोनों चैप्टर का, नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यू चैप्टर पढ़ाऊँगी, ये फिल कर लीजिएगा आप लोग, होमवर्क दिया था ना इसको फिल करने का, ये सब फिल कर लीजिएगा खुद से, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ आती है, जो चीज़ नहीं आएगा आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी, ओके। MPS 56, थैंक यू सो मच।